ओपन सनरूफ। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं टाटा अल्टोरस ICNG ऑप्शनल, जो कि अभी रिसेंटली ही टाटा वालों ने इसको इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च किया है, जहाँ पे देखेंगे इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस मिल जाते हैं नॉर्मल टाटा अल्टोरस के मुकाबले में। जहाँ सबसे पहले बात की जाए तो ये अभी टॉप एंड ऑप्शन है। जहाँ पे इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 7.55 लाख से स्टार्टिंग टू 10.55 लाख तक है। अगर भाई बात की जाए तो यहाँ पे आपको वही सेम इंजन मिलता है 1.2 लीटर वाला, यहाँ पे आपको CNG ऑप्शनल मिलता है। साथ ही में बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ में आती है। मैं अगर सबसे पहले इसकी बात करें फ्रंट साइड में, तो आप फ्रंट साइड में देख सकते हैं आपको बॉडी शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको फ्रंट साइड में नॉर्मल जो DRZ मिल जाती थी, जो आपको नॉर्मल टाटा टोरस में मिलती थी, एज इट इज आपको फ्रंट साइड में पूरी तरीके से एज इट इज सेम ही देखने को मिलेगी। मैं अगर बात करें तो बॉडी शेप में भी उसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलते। यहाँ आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो आप देख सकते हैं जो आपको ओल्ड टाटा टोरस में भी देखने को मिलते थे। भाई साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ऐसी माइनर डिफरेंस मिलती हैं जो नॉर्मल टाटा अल्टोरस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको टाटा अल्टोरस ICNG में केवल देखने को मिलेगी। जहां पर अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में केवल एक ही ऑप्शन है देखने को। भाई मैं अगर आपको दिखाता हूं चल के आपको इसके इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं नॉर्मल टाटा अल्टोरस के मुकाबले में। सेम चल के यहाँ पे देखेंगे टाटा टूरस के इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल टाटा टूरस में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड के ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, जो की काफी अच्छी बात मिलती है। टाटा के हर कारों में आपको फ्रंट और को ड्राइवर साइड में आपको वेंटिलेटेड सीटें आने लगी मोस्टली कारों में। जैसे हम सबसे पहले बात करें इसके इंटीरियर में चल के वो आपको क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं वो इसकी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम आ चुके हैं टाटा अल्टोरस के इंटीरियर में, जहां पे आपको कुछ इस तरीके से यहां पे इंटीरियर देखने को मिलता है टाटा अल्टोरस ICNG का, और आपको नॉर्मल टाटा अल्टोरस का भी इस तरीके से सेम इंटीरियर देखने को मिलेगा। बस एक दो माइनस चीजें से डिफरेंस हुई। जहां पे सबसे पहले बात की जाए तो यहां पे आपको वायरलेस का फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही में यहां पे आपको 5 स्पीड ये मैनुअल कार्स है। अगर बात की जाए तो यहां पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें वहां पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं मिलता है नॉर्मल टाटा अल्टोरस में। अगर बात जा तो यहाँ पे आपको ये वॉइस असिस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको सबसे पहले इंडिया में MG वालों ने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे आप ऐसे ये बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ये यहाँ पे जो सनरूफ है वो अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपकी वॉइस कमांड के साथ में। इसके भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। भाई अगर बात की जाए तो इसके और अभी आपको इसके इंटीरियर में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसके ग्लव बॉक्स, आपको कूलिंग ग्लव्स बॉक्स मिल जाता है, जहां पे आपको इसमें कूलिंग वाला ग्लव्स बॉक्स मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है टाटा टूरस के ICNG ऑप्शनल के लिए। मैं अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में भी काफी ज्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है। स्पेस के मामले में टाटा वालों का भाई कोई तोड़ नहीं है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको टाटा अल्टोरस में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी हरमन के, जो 4 आपको बड़े स्पीकर मिलेंगे और 4 छोटे छोटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्पीकर वहां पे मिलेंगे आपको फ्रंट साइड में, और 2 स्पीकर आपको बैक साइड के रो में डोर पे उनके देखने को मिलेंगे। भाई कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट साइड का इंटीरियर है, जहां पे आप देख सकते हैं ये है टाटा अल्टोरस CNG ऑप्शनल। अब इसके चल के देखते हैं कि बैक साइड के रो में आपको कैसा क्या डिफरेंस मिलता है नॉर्मल टाटा टोरस के मुकाबले में। अब चल के देखते हैं टाटा अल्टोरस के सेकेंड रो में कि आपको कितनी ज्यादा स्पेस मिलती है, क्योंकि ये ICNG कार है तो इसमें देखेंगे स्पेस की प्रॉब्लम होती है या नहीं, जो नॉर्मल टाटा अल्टोरस में हमें देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे जैसे सबसे पहले इसका हम डोर ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपको स्पेस के मामले में किस तरीके से यहाँ पे स्पेस मिलती है। तो यहाँ पे नो डाउट टाटा अल्टोरस ICNG में आपको स्पेस की लेके कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ पे हम जैसे यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही बैठेंगे, और मैं सबसे पहले डोर लॉक कर लूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है मुझे बैठने में, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और एक खास बात जो टाटा के कारों में आपको मोस्टली देखने को मिलती है, रियर एसी विंड आपको मिल जाती है, जो कि नॉर्मल कारों में मोस्टली कारों में आजकल के टाइम में देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे एक खास बात, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग का ऑप्शन भी देने लगे हैं टाटा टूरस ICNG में, आपको टाइप सी का ऑप्शन मिलता है। मैं अगर बात की जाए तो बैक साइड के रो में भी आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, एक यहाँ पे बड़ा स्पीकर मिल जाता है, और साथ ही में आपको एक छोटा सा स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है साइड में मिल जाते हैं, जो कि एक नीचे साइड में बड़ा स्पीकर मिलेगा और ऊपर साइड में आपको वहां पे एक छोटा सा स्पीकर मिल जाता है, जो कि इसमें हरमन के स्पीकर लगे हुए हैं। जहां पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में आपको हरमन की टच डिस्प्ले दिख रही होगी, जो कि काफी ज्यादा बड़ी यहां पे डिस्प्ले मिल जाती है अच्छी खासी। अगर बात की जाए तो यहां पे आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से यहां पे आप हाथ रख सकते हैं, और 2 आपको ये हेड रेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट साइड में को ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में, और बैक साइड में भी आपको 2 हेड रेस्ट मिल जाते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब चल के देखते हैं इसके बूट स्पेस में आपको कितनी ज्यादा स्पेस मिलती है, क्योंकि ये ICNG ऑप्शनल कार है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा यहाँ पे स्पेस मिलती है सही या नहीं मिलती है, कि नॉर्मल ऐसी स्पेस के मामले में किस तरीके से टाटा टोर ICNC सही है कि नहीं। मैं अगर बात बैक साइड की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपको बैक साइड में व्यू आने वाला है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चेंज मिलेगा ICNG की, आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी बैक साइड के डोर पे। अगर बात करें यहाँ पे बूट स्पेस की, तो यहाँ पे जैसे हम इस डोर को ओपन करेंगे, जैसे ही इस डोर को हमने ओपन किया, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है जो 210 लीटर के 210 लीटर की, यहाँ पे आपको बैक साइड में लीटर की स्पेस आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे अगर साथ ही में बात करिए तो यहाँ पे आपको ये CNG दो किट्स फिटेड मिल जाती हैं, जिनकी अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो 60 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है। और भाई अगर बात की जाए तो ये कार का एवरेज 19.33 किलोमीटर पर एवरेज है भाई, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कार में भी एवरेज अच्छा मिल जाता, और आपको ICNG होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको 210 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और टाटा की कार भाई तो डोर में तो भजन होना ही है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसके ये वॉक अराउंड है, जो इस तरीके से आपको मिलने वाली है। अब इसका हम टेस्टिंग करेंगे वॉइस असिस्ट की, आपको इसका वॉइस असिस्ट किस तरीके से वर्क करता है ICNG जो आपको टाटा अल्टोरस में देखने को मिला है। अब हम कार को स्टार्ट करेंगे टाटा अल्टोरस ICNG को, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके ये वॉइस असिस्ट किस तरीके से काम करता है, कितना अच्छा इसका वॉइस असिस्ट है, कितनी जल्दी ये कमांड आपकी एक्सेप्ट करता है। जहां पे हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट स्टॉप वाली बटन को ऑन करेंगे, जहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका स्पीडोमीटर मिलेगा, जहां पे आप लोग देखते हैं फुल्ली डिजिटली मिलता है, और ये इस तरीके की आपको टच डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। और यहां पे अब एसी हो चुकी है कार में। चलो अब हम लोग देखते हैं वॉइस असिस्ट इसका काम करता है कि नहीं। ओपन द सनरूफ, यहाँ पे देख सकते हैं कमांड पूरी तरीके से ले ली है यहाँ पे टाटा की अल्टोरस में। अब ये देखते हैं, ये देखो भाई, यहाँ पे इस तरीके से भाई सनरूफ पूरे तरीके से खुल चुकी है।